नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। देखिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और वो ये है कि जिस प्रकार से अगर आपको कमल चाहिए तो आपको कमल तालाब में ही मिलने वाला है, उसी प्रकार से जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन, या फिर आपका कोई गोल है उसका रास्ता आपको माहौल में ही मिलने वाला है। आपको एक अलग माहौल में जाना पड़ेगा, और उस माहौल में जाने के बाद आपको ये आइडिया आएगा कि जो मेरा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, जो मेरा गोल है उसका रास्ता तो बड़ा आसान है। हमें अलग अलग माहौल में जाकर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखिए, माहौल की बात हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले शनिवार को यानी कि 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे का VITV गुरुकुल का एक माहौल बनने वाला है। VITV गुरुकुल का एक सेशन होने वाला है। इस सेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में अगर आप आ जाते हैं तो आपको आपका जो भी गोल है उस गोल को अचीव करने का एक रास्ता, आसान रास्ता मिल जाएगा। या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में है, बिजनेस रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में है, तो उसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, कोई एक आइडिया भी अगर आपको मिल गया तो वो आपके काम को बहुत आसान कर देगा। अब आप समझिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये 4 घंटे के सेशन में होने क्या वाला है। इससे आपको समझ में आएगा कि क्या ये सेशन आपको वो आइडिया दे सकता है। देखिए, सुबह ठीक 8:07 पर यानी कि ठीक 8 बजे हमारा ये सेशन शुरू हो जाएगा, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहले 1 घंटे में एक इंश्योरेंस एजेंट वीडियो के द्वारा अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, अपने आप को कैसे फेमस कर सकता है, इसके हम आइडिया नहीं देंगे, इसे लाइव डेमो करके वहां पे बताएंगे। एक इंश्योरेंस एजेंट्स के द्वारा लाइव डेमो करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट वीडियोस के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, वीडियोस को कैसे बना सकता है, इसके बारे में लाइव डेमो हम करके बताएंगे। 9 बजे से लेकर 9:25 तक हम एक बहुत ही कामयाब बिजनेस ओनर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। करीबन 25 मिनट का यह इंटरव्यू होगा। कौन है यह बिजनेस ओनर, इनके बारे में आपको जानकारी देता हूं। मिस्टर धनंजय वेर्णेकर, अगर आप पुणे से हैं तो शायद आपने इनका नाम सुना होगा, और नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है पुणे में, इसके ये फाउंडर है। इसके अलावा IIBM इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूट का आपने नाम सुना होगा। पूरे भारत देश में इसके कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। इस IIBM इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर है, चेयरमैन, यू नो। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एविएशन की पढ़ाई होती है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। ये दो इंस्टीट्यूट के फाउंडर हमारे साथ में होंगे, उस जगह पर हमारे साथ में होंगे, और हम इनका करीबन 20 से 25 मिनट इंटरव्यू लेंगे, जिसमें इनकी कामयाबी के रहस्य, इनके काम करने का तरीका, इनके जिंदगी में जो उतार चढ़ाव हुए, उनको इन्होंने कैसे मैनेज किया और आज इतनी बड़ी कामयाबी को कैसे हासिल किया। 25 मिनट का इंटरव्यू होगा जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसके अलावा 15 मिनट तक इनके साथ में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें इनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। इनके सेशन हो जाने के बाद में हम करीबन 20 मिनट का एक ब्रेकफास्ट सेशन करेंगे, जहां पर हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सारे ही लाइक माइंडेड लोग एक साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट के बाद हम इन्वाइट करने वाले हैं मिस्टर प्रशांत सावंत जी को। मिस्टर प्रशांत सावंत एक बहुत ही नामी गिरामी मोटिवेशनल ट्रेनर है। 20 मिनट के समय में, 20 मिनट के समय में मिस्टर प्रशांत सावंत हमें ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ एक सेल में TOT कर सकता है, एक व्यक्ति से TOT का बिजनेस ले सकता है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म हमारा अंदर से होना चाहिए, उसके बारे में ये जानकारी देंगे। 20 मिनट के इनके सेशन के बाद हम बुलाने वाले हैं मिस्टर नवीन चंद जैन जी को। नवीन चंद जैन जी ये मुंबई बेस्ड एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है। इनकी खासियत यह है कि ये एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं, ये कॉरपोरेट की तरह काम करते हैं। करीबन 8-10 फैमिली मेंबर्स के नाम पर इन्होंने 8-10 कंपनीज की, अलग अलग कंपनी की एजेंसी ली हुई है, और इन 8-10 एजेंसीज में ये जितना काम करते हैं ये मल्टीपल TOT जितना काम है, यानी कि हर साल ये मल्टीपल TOT करते हैं।
यू नो इनकी काम करने का तरीका क्या है, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ये हमें 10 मिनट के अंदर बताने वाले हैं। मिस्टर नवीन चंद जैन जी के बाद में आएंगे मिस्टर धनंजय, जो कि पूना बेस्ड एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और 100% ब्लाइंड है। 100% ब्लाइंड होने के बावजूद ये हर साल MDRT कैसे करते हैं, एक टीम को मैनेज कैसे करते हैं, ये अपने बिजनेस आइडियाज, अपने काम करने का तरीका, अपनी सोच को 10 मिनट के अंदर बताने वाले हैं। धनंजय जी के बाद में आएंगे मिस्टर अफसर अली। मिस्टर अफसर अली को मैं बोल सकता हूँ ये एक इंटरनेशनल स्पीकर है, क्योंकि ये हमें जूम के द्वारा कुवैत से जुड़ने वाले हैं। हालांकि ये इंडियन ही है, लेकिन कुवैत में जाकर इन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम शुरू किया और वहां पर ये एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो वहां पर यू नो मुस्लिम्स लोगों के बीच में रहकर इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब हुए हैं, तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, 10 मिनट में ये हमें बताएंगे। इसके बाद आएंगे मिस्टर सीतारमन अय्यर जी। सीतारमन अय्यर, ये इन्होंने सारी जिंदगी फौज में काम किया है। फौज में काम करने के बाद जब ये रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया। आज इनकी उम्र 70 से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से खुशी खुशी ये इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। हर साल मिनिमम MDRT करते हैं और कई सारे लोगों को MDRT बनाने का काम करते हैं। किस प्रकार से ये काम करते हैं, इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, आइडियाज क्या है, 10 मिनट के अंदर ये बताएंगे। इसके बाद आएंगे मिस्टर तात्या शिवाले जी। तात्या शिवाले जी ये एक जमाने में भैंस चराते थे, लेकिन आज ये मर्सिडीज चलाते हैं। यू नो पूना के आप बोल सकते हैं ये वन ऑफ द रिचेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर है। किस प्रकार से ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी है, TOT भी इन्होंने किया है, COT करते हैं, लेकिन इनका बड़ा बिजनेस जो है वो हाउसिंग लोन का है, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। किस प्रकार से ये काम करते हैं, इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, माइंडसेट क्या है, 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजों का ज्ञान हमें देने वाले हैं। और लास्ट में आधे घंटे मैं बात करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैं आइडिया देने का काम नहीं करूंगा, मैं आपको टूल देने का काम करूंगा, टूल दूंगा जिस टूल की मदद से आप अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार से ये जो 4 घंटे का सेशन है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इसे हमने टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है, किस प्रकार से ये सेशन आपको एक ऐसा आइडिया दे सकता है जो कि आपके बिजनेस में आपको स्टेबल बनाने में या ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन दोबारा कितने सालों बाद पुणे में होगा, इसकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। कम से कम 2 साल तो नहीं होगा, क्योंकि हर महीने में एक बार हम गुरुकुल का सेशन करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जाकर करते हैं। तो पुणे वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको इस सेशन को किसी भी परिस्थिति में मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा ये कब पुणे में होगा ये किसी को पता नहीं है। 2 साल बाद होगा या 3 साल बाद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि आपके संपर्क में जितने भी लाइक माइंडेड इंश्योरेंस एजेंट है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नहीं सिर्फ शेयर करना, बल्कि उन्हें फोन करके बताना कि इस वीडियो में, इस वीडियो को उन्हें क्यों देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।